अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जहान रौनक। मैं आज उधर खुशियानी बाग आया हूँ और इधर दिल फरेब नज़ारे हैं माशाल्लाह। ये सरसब जंगल, ये घास वगैरह और ये जड़ी बूटियाँ आप देख रहे हैं, नज़र आ रही हैं। तो मुझे आज एक मिली है जड़ी कंब, इसका दूसरा नाम है पंग। और ये पंग और कंब में फ़र्क है, ये जो पंग है ये कंब है, जो ये मवेशी खाते हैं और उनके मतलब सेहत और बनती है, मोटे ताज़े हो जाते हैं। अगर इसको आप इसके पत्ते लेकर आटे में मिलाकर पिन्नी बना के सुबह शाम अगर आप जानवरों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह जितना भी कमज़ोर जानवर होगा जिसका मैदा वगैरह ठीक नहीं है वो बहुत सेहतमंद हो जाएगा। और उसके बाद जो फोड़ा फांसी या गिलड़ वगैरह वो दूर हो जाता है। आजकल जो बीमारी फैली हुई है मवेशियों में, भैंस वगैरह गाय में वो फोड़े वगैरह निकलते हैं, इसकी वजह से वो फोड़े वगैरह इंशाल्लाह सारे दूर हो जाएंगे। ये कूट कर पीस कर पाउडर बनाकर आप इसके ये फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटे में मिलाकर उन या खल या दालें में मिलाकर आप उनको खिलाएंगे तो ये फोड़े फांसी वगैरह दूर हो जाएंगे। और अगर कमज़ोर जानवर आता है उसकी सेहत बन जाती है। ये देखिए मैं ये कोई नायाब है तो नायाब लेकिन नापैद नहीं है, ये अक्सर इधर कश्मीर में मिल जाती है। तो ये मैं लेके जा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर नाक में कोई कीड़ा वगैरह इस जानवर को चला जाए पानी पीते हुए तो इसकी वजह से इसको उसके नाक के ऊपर फेरेंगे, उसके ऊपर फिर दम लोग दम करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है या ऐसे ही बाहर आ जाता है नाक से। तो इसके लिए मैं नंबर दूंगा, अगर किसी को कोई इस तरह का मामला पेश आए तो इंशाल्लाह मैं उसकी काट कर लूँगा।